गांव में हमें बहुत से फिश फार्म्स नजर आए, तो हमने सोचा क्यों ना इनमें से किसी का विजिट किया जाए। ये है जी फिश फार्म। इन्होंने ये सेम वाली जगह थी, अच्छा, तो इस पे कोई और चीज लग नहीं सकती थी, ठीक है, तो इन्होंने फिर ये फिश फार्म बना दिया। उन तो मच्छियां लूण खानी उसे। ये बिल्कुल वो उधर आपको नजर आ रहा होगा कि बिल्कुल नमक है, तो यहाँ पर कुछ उग नहीं सकता था। तो इन्होंने ये किया कि यहाँ पर ना तकरीबन ये भरा पड़ा होगा फिश। फिश फार्मिंग ज्यादा सिंध के सूबे में की जाती है, लेकिन पंजाब में भी कुछ सालों से इसको इंट्रोड्यूस कराया गया है। ये मछलियों के लिए ट्यूबवेल लगी हुई है, अच्छा, जिससे ये पानी सारे इन पाउंड पाउंड ना पाउंड इन पाउंड्स में जाता है। तो ये है जी ट्यूबवेल, और यहाँ से पाइप्स आगे जा रही हैं जो पानी को आगे लेकर जाती हैं, और इसमें मछलियाँ भी हैं छोटी छोटी। फिश फार्मिंग एक इम्पोर्टेंट सेक्टर होते हुए भी हुकूमत की तरफ से इन फिश फार्मर्स को कोई मरात नहीं दी जाती। प्रॉपर फिश फीड या तो अवेलेबल नहीं होती, अगर होती है तो इतनी महंगी होती है कि ये फार्मर्स इनएक्सपेंसिव फीड्स जैसे कि चिकन फीड, खुश्क रोटी और इवन बर्ड ड्रॉपिंग्स को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बिलो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मार्केट में आता है। मामू ने बताया कि बर्ड ड्रॉपिंग्स को फिश फीडिंग में इस्तेमाल कैसे किया जाता है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था। ये मच्छी वे आंधी नहीं है, अच्छा, ये किस वास्ते में ब्रीडिंग नहीं नहीं ये ले वेट पानी भी सटते हैं ना जी पहले कुछ है ये देवे कीड़ा पैम बनदा, अच्छा, कीड़ा खा वो कीड़े ने मच्छी खा ली, अच्छा, ये डायरेक्ट मच्छी नहीं खांदी, बड़ा इकोसिस्टम बनाया है ने। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਫੈਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀੜੇ ਪਾਣਾ ਨੇ ਉਸ ਕੀੜੇ ਨੇ ਮੱਛੀ ਖਾਣੀ, ਇਹ ਵੇਟ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਕੀੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਬਣਵਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੱਟਦੇ ਹਾਂ ਚੋਕਰ ਖਲ ਜੀ ਕਨੋਲਾ ਦੀ ਹਾਂ ਕਨੋਲਾ ਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਚੋਕਰ ਸੱਟਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਇੰਜਾਰ ਵਗਣ ਕੋਈ ਛਈਆਂ ਸੱਟਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੀੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਧ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਥੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੀੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਫਲੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੀੜਾ ਵਾਂਗ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤ ਕੀੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਮਸਾਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਦੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਚਾਵਲਦਾਰ, ਅੱਛਾ, ਸੁੰਡੀ ਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੁੰਡੀ ਤਾਂ ਉੱਡਣ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਚਾਹੇ ਜਾ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਇਹ ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੇ 'ਚ, ਅੱਛਾ, ਮਲਾਪਾ ਕਿਆ ਸਮਝੋ ਮਲਾਪਾ ਮਲਾਪ ਇੰਤਹਾਈ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਣੇ ਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰ ਆਏ ਹੋਏ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਗੇ, ਨਹੀਂ 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 ਮੁਰਗੀ ਕਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਗੇ ਹਮ ਸਿਰਫ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣੇ ਆਏ ਹੈ, ਮਾਮੂ ਲੈ ਰਹੇ ਥੇ ਆਪਕੋ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੋ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ हमारे कज़न मिसबा ने भी हमें बताया कि प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से फ़िश फार्म धड़ धड़ बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से फाइनल प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू कम होती जा रही है। ये मिसबा भाई हमें भी बता रहे हैं कि फ़िश फार्म्स इधर इतने ज़्यादा बनने लग पड़े हैं, पहले हमने कहा कि शायद सेम और थोर की वजह से, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुनाफा काफ़ी था जिसकी वजह से लोग एग्रीकल्चर को छोड़ के फ़िश फार्मिंग की तरफ चले गए, अच्छा,
लेकिन अब इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि पहले कितने जी कितने हज़ार की मन थी? 10,000 से 20,000 मछली मन थी, अब बिकती है 5,000 5-6,000, यानी कि कम होती जा रही है। तो लेकिन लोग फिर भी धड़ाधड़ इस इलाके में बनाए जा रहे हैं फिश फार्म, उन लोगों को पता ही नहीं है, बस एक दूसरे को सुन लिया के ओए सर चिड़ी पॉपकॉर्न खा रहा। ये जी फिश फार्म हो रहा है। अच्छा इसमें मछली जी कौन सी होती है? रहू, गुलफाम और बस ये दो, और क्या जी? हैला सबसे बड़ा साइज। अच्छा 5-6 किलो दे। ये थी हमारी एक वीडियो फिश फार्मिंग पर। लाइक एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर वीडियोस। बाय।